बच्चों नमस्कार सबको, गुड आफ्टरनून। और बच्चों, जो ये नया वर्ष है इसमें आप नाइन्थ वालों की क्लास तो मैं पहली बार ही ले रहा हूँ नाइन्थ की। आज तो टेंथ की क्लास होनी चाहिए थी, है ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, टेंथ की क्लास आज है ना। चेंज करता हूँ मैं इसको। पिछली क्लास में जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, उस चैप्टर का नाम क्या था? द ट्राइब्यूट। और द ट्राइब्यूट नाम का जो लेशन है बच्चों, मैं भी बोर्ड पर से चेंज करता हूँ इसे। इस चैप्टर को आपने कहाँ तक पढ़ लिया था उसके आइए से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेशन का नाम बदल रहे हैं अपन, क्लास का नाम भी बदल रहे हैं। ये टेंथ क्लास है ना। एक्चुअली मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया और मुझे लगा कि पिछली क्लास मैंने टेंथ ही ली थी तो अब नाइन्थ की क्लास होनी चाहिए, लेकिन वो कल छुट्टी आ गई ना। तो ये है बच्चों आपकी टेंथ क्लास और चैप्टर का नाम है पुनः द ट्राइब्यूट। क्लियर? द ट्राइब्यूट नामक लेसन जो है बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था। अब बच्चों आइए देखेंगे आप अपनी बात। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 122। पेज नंबर 122 के ऊपर बच्चों आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो पूरा करवा दिया था और दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, यानी मैंने अपने बड़े भाई को क्या किया? मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। यहाँ बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो क्या बात है, जरा ध्यान देंगे आप। आई सा, बच्चों इस सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आई सा, देखो, आई सा माई एल्डर ब्रदर, आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज। क्लियर? आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने अपने बड़े भाई को देखा उठते हुए। अब बच्चों आप ये समझो कि सा यहां पर वर्ब है। आई सा माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को देखा। कैसे देखा बच्चों? राइज माने उठते हुए देखा। अब मजे की बात यह है बच्चों कि यदि यहां पर राइज नहीं होता या यहां पर सा नहीं होता, बल्कि यूं कहो तो बच्चों वहां पर आप राइज का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि यहां एक वर्ब आ रही है और आगे दूसरी वर्ब आ रही है, तो हम करते हैं राइजिंग। ध्यान देना, आई सा माई एल्डर ब्रदर राइजिंग, मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। लेकिन बच्चों समझाने वाली बात यह है कि जब वर्ब सी हो तो सी की सेकंड फॉर्म सा है, और जब वर्ब है बच्चों डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच हो, या जब वर्ब हियर हो। ध्यान दो, अब जब मैं आपको कहता हूं कि मैंने उसे गाते हुए सुना, तो आई हर्ड हर सिंग। सिंगिंग करने की जरूरत नहीं है और टू सिंग कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं इन तीन वर्ब्स के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों कि इन वर्ब्स के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद में बच्चों वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी का प्रयोग किया जाता है, उसमें आई एन जी का प्रयोग नहीं किया जाता और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इन क्रियाओं के बारे में यह विशेष बात है। एक वर्ब बच्चों मैंने बताया आपको सी डबल ई सी एस डबल ई सी माने देखना, दूसरी होती है वॉच। जैसे मैंने उसको कार स्टार्ट करते हुए देखा, तो आई वॉच्ड हर स्टार्टिंग द कार। ऐसे नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए आई वॉच्ड हर स्टार्ट द कार। यानी स्टार्ट में आई एन जी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जो तीन वर्ब्स मैंने बताई आपको है ना, उसी तरीके से एक वर्ब और होती है बच्चों, जैसे मैक। तो मैक की क्या स्थिति है जरा देखो आप। मैक के साथ भी आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए। ये देखो, यहाँ बच्चों मैंने मैक लिखा है, मैक। अब मैं सेंटेंस भी इसको यूज करके दिखाता हूँ। शी मेड, ये देखो मेड आ गया। अब ऑब्जेक्ट आएगा शी मेड मी, अब आएगा फर्स्ट फॉर्म। शी मेड मी लाफ, यानी उसने मुझे हंसाया। शी मेड मी लाफ, यानी उसने मुझे हंसाया। यहाँ भी बच्चों आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो सी आ रहा, इस जो लॉफ आ रहा बच्चों, न तो आपने इसके पहले टू लगाया और न इसमें आईएनजी लगाया। लेकिन बच्चों इसकी जगह कोई दूसरी बात होती है तो बताओ क्या होता है, जरा देखना। मैं आपको कहता हूं मुझे जाने दो, अलाउ, फिर लिखा आपने मी, टू गो। बस बच्चों मुझे यही समझाना, यहां टू गो आ रहा है लेकिन यहां टू लाफ नहीं आ रहा है,
वहां पर टू राइज नहीं आ रहा है। इन सभी वर्ब्स के साथ में बच्चों ये होता है कि इनकी आगे जो वर्ब आती है वह हमेशा बेयर इन्फिनिटिव में लिखी जाती है। कौन सा इन्फिनिटिव बच्चों? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, जरा ध्यान दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है परंतु उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप बोलते हो लेट, तो लेट भी बच्चों इसी में शामिल है। लेट मी गो, ऐसे नहीं बोलते लेट मी टू गो, लेकिन जब आपने अलाउ बोला तो बच्चों आपने टू बोला ना, अलाउ मी टू गो। एक्चुअली बात बच्चों ये है कि किसी सेंटेंस में जब दो वर्ब्स आती है और यदि वो साथ साथ आती है तो उनके बीच में टू का प्रयोग जरूर होता है। तो उनके बीच में जैसे ही आस्क्ड मी टू गिव हिम सम मनी। अब देखो बच्चों आस्क्ड और गिव दोनों वर्ब है तो दोनों के बीच में मुझको टू का प्रयोग करना पड़ा। तो आप इस बात को समझें कि व्हेनेवर टू वर्ब्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, जब कभी भी दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है एक साथ तो देयर मस्ट बी टू प्रीपोजिशन यूज्ड इन बिटवीन देम, अर्थात उन दोनों के मध्य टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, व्याकरण सम्मत होता है। क्लियर? अब अपनी बात को हम आगे ले रहे हैं। तो देखो बच्चों, आई सा माय एल्डर ब्रदर राइज, मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। ही स्टॉप्ड, पास्ट सिंपल, वो ठहर गया। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए ठहर गया। नियर द पाइल और नियर द हीप ऑफ थिंग्स, इसका मतलब चीजों के ढेर के पास। पी आई एल ई, पाइल यानी ढेर होता है और हीप यानी भी ढेर होता है। तो नियर द पाइल और नियर द हीप ऑफ द थिंग्स, यानी एक क्षण के लिए वह उन चीजों के ढेर के पास में ठहर गया। ध्यान दो बच्चों, बंटवारा हो रहा है घर का बंटवारा हो रहा है। सबसे छोटा भाई तो बच्चों बाबुली है, बीच वाला खलनायक है और सबसे बड़ा वाला देवता है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। ऐसा माय एल्डर ब्रदर राइज, मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए ठहर गया। नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, यानी चीजों के ढेर के पास। एंड अनफास्टन्ड, और उसने बच्चों खोल दिया अपनी कलाई घड़ी। घड़ी के ऊपर जो फित्ता बंधा हुआ था बच्चों, अब तो घड़ी की चेन आती है, और अब तो घड़ी बनता कौन है, जब मोबाइल में टाइम देख लेते हो तो घड़ी की दरकार नहीं होती है, लेकिन तब किसी की कलाई के ऊपर घड़ी होना। एक बहुत ही कुलीन परिवार, एक बहुत ही संभ्रांत परिवार या एक बहुत ही समृद्ध परिवार का होने का सूचक हुआ करता था। तो ये घड़ी उनके पास थी जो उनको मिली थी, उनके पापा ने उनको दिलाई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब बंटवारा हो रहा है तो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए फेयर पार्टीशन अमंग द ब्रदर्स, बिटवीन द ब्रदर्स, या बिटवीन भी किया जा सकता है बच्चों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भाइयों के मध्य बंटवारा होता है तो उसको फेयर होना चाहिए, उसको बिल्कुल उचित होना चाहिए, उसमें बेईमानी या उसमें जो है मतलब कि जो रुकटियाँ हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा भाई बिल्कुल रुकटिया बड़ा नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, बोला क्या उन्होंने, ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल ऑफ द थिंग्स, अर्थात एक क्षण के लिए वह चीजों के ढेर के पास में ठहर गया। एंड अनफास्टन्ड द स्ट्रैप, और उन्होंने फीता खोल दिया। ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और उन्होंने अपनी कलाई घड़ी का फीता खोल दिया, और उन्होंने अपनी कलाई घड़ी का फीता खोल दिया। एंड प्लेस्ड इट, और इसको रख दिया। एंड प्लेस्ड इट, और इसको रख दिया। ऑन द हीप, माने उस ढेर पर। विद द अदर थिंग्स, माने अन्य चीजों के साथ। वो एक क्षण के लिए चीजों के ढेर के पास में ठहर गया तथा उसने अपनी कलाई घड़ी का फीता जो है अनफास्टन्ड का मतलब होता है ओपनड, खोला, ढीला कर दिया उसको। और ढीला करके क्या किया बच्चों, इट प्लेस्ड इट, उसने इसको रख दिया ऑन द हीप, उस ढेर के ऊपर। विद अदर थिंग्स, यानी अन्य चीजों के साथ में, चीजों के उस ढेर के ऊपर उसने उस फीते को रख दिया। फीते को क्यों, घड़ी को रख दिया। अब बच्चों क्लॉक होती है, जो दीवार घड़ी होती है उसको आप क्लॉक कहते हैं, लेकिन हाथ के ऊपर जो कलाई घड़ी बांधते हैं उसको आप रिस्ट वॉच कहते हैं। क्लियर हो गए? नेक्स्ट आगे देखो क्या होता है। परहैप्स, शायद, अटिया, आंसू की एक बूंद, ट्रिकल्ड डाउन, यानी लुढ़क पड़ी थी, हिज चीक, मैंने उसके गाल पर से। वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि घड़ी उनकी बड़ी प्रिय थी, पार्ट एंड पार्शल थी। जैसे बच्चों आप महाभारत में पढ़ते हो, कर्ण का कवच और कुंडल क्या था, वो कवच और कुंडल जो था दैट वाज पार्ट एंड पार्शल ऑफ हिज बॉडी, वो उसके शरीर का अभिन्न अंग था। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से वो कलाई घड़ी जो है उनके पिताजी की निशानी थी, जिसको बहुत सहज कर रखते थे, और वो उनको बड़ी प्रिय थी, उन्होंने वो घड़ी खोल करके रख दी। एंड परहैप्स, यानी शायद, दूर से मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दिया, पर उसका गाल जो है कुछ गीला दिखाई दे रहा था, तो मुझको क्या लगा, तो मुझको ऐसा लगा दैट परहैप्स, कि शायद, अ टियर ट्रिकल डाउन हिज चीक,
निश्चय करता है उसके गाल पर से, उसके जो रुखसार हैं उन रुखसारों के ऊपर से एक अश्कों की, एक आंसू की जो बूंद है वो लुढ़क गई थी विदय हेवी साई एक गहरी आह के साथ। विद हेवी साई माने एक गहरी आह के साथ ही लेफ्ट द प्लेस, एक गहरी आह भरते हुए वो उस जगह को छोड़कर चला गया। मेरा बड़ा भाई एक गहरी आह के साथ, एक गहरी आह भरते हुए ही लेफ्ट द प्लेस अर्थात वो उस जगह को छोड़कर के चला गया। आई हैड ऑफन हर्ड, देखो बच्चों ऑफन का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ऑफन का प्रयोग तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, बट इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ अ स्टोरी, लेकिन यदि सेंटेंस किसी कहानी का भाग है देन द एडवर्बियल ऑफन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस, तब एडवर्बियल ऑफन का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में भी किया जा सकता है। और बच्चों कभी कभी पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट में भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में भी पास्ट होता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया पास्ट, और पेशेंट तो उसके भी पहले मर गया, तो पास्ट में भी पास्ट। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम माने डॉक्टर के आने से पहले कौन मर गया, डॉक्टर के आने से पहले बच्चों मरीज मर गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। या यो भी कह सकते हैं द डॉक्टर केम माने डॉक्टर आया, कब आया वो, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड यानी मरीज के मर जाने के बाद। तो बच्चों पास्ट में भी पास्ट, पास्ट में भी पास्ट, क्लियर हो गया है। तो आई हैड ऑफन, तो बच्चों आप समझ लो कि ऑफन का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं होता है, ऑफन का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में भी हो सकता है। और आपका जो आलोच्य वाक्य है यानी जो गिवन सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हैं बच्चों हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म के मध्य ऑफन का प्रयोग हो रहा है, यानी ऑफन का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। आई हैड ऑफन हर्ड हिम से, देखो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था हियर के बाद आ रहा है एस ए वाई से, उसमें आई एन जी जुड़ा हुआ नहीं है। आई हैड ऑफन हर्ड हिम सेइंग, मैंने उसको प्रायः कहते हुए सुना था, ऐसा नहीं आ रहा है, जबकि ये आ रहा है आई हैड ऑफन हर्ड हिम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि हियर के बाद जो वर्ब आएगी उसमें न तो आपको आई एन जी जोड़ने की आवश्यकता है और न उसके पहले टू लगा करके उसका इन्फिनिटिव बनाने की आवश्यकता है। क्लियर है। आई हैड ऑफन हर्ड हिम से दैट, मैंने प्रायः उसे ये कहते हुए सुना था फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच, पिताजी उसके लिए उस कलाई घड़ी को खरीद करके लाए थे। व्हेन ही वाज इन हिज 11th क्लास, जब वो 11वीं जमात में पढ़ता था, ध्यान दो बच्चों, जब वो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, जब वो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, एट दैट टाइम उस समय द रिस्ट वॉच वाज परचेज्ड बाय हिज फादर, द रिस्ट वॉच वाज परचेज्ड फॉर हिम बाय हिज फादर, यानी वो कलाई घड़ी उसके लिए उसके पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी। तब से उस कलाई की घड़ी, उस कलाई घड़ी को वो अपनी कलाई के ऊपर बांधते हैं और वो घड़ी उनको अत्यंत प्रिय थी, वो घड़ी उनको अत्यंत प्रिय थी। और घड़ी के वो आदि हो गए हैं, जैसे मोबाइल आप रखते हो बच्चों, और मोबाइल के बिना फिर आपका जीवन कटता नहीं है क्योंकि मोबाइल की आपको आदत हो जाती है। इन द सेम वे ही वाज अकस्टम्ड टू कीपिंग दैट वॉच, अर्थात वो उस घड़ी को रखने के आदि हो गए थे। एंड ही कुड नॉट रिमेन, ही कुड नॉट लिव विदाउट दैट वॉच, अर्थात उस घड़ी के बिना वो रह नहीं सकते थे, उनका अस्तित्व उस घड़ी के बिना संभव नहीं था। लेकिन बच्चों जब कर्तव्य पुकारता है तब आपको अपनी बहुत प्रिय चीजों को भी त्याग देना पड़ता है। आप जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेल रहे थे तो उनको प्राणों से भी प्यारी जो अपनी पत्नी है उनको भी दांव पर लगाना पड़ा। तो बात दरअसल यह है कि जब कर्तव्य पुकारता तो वहां बेईमानी नहीं चलती है, वहां डिसऑनेस्टी नहीं चलती है। इसलिए किसी ने नहीं बोला लेकिन उनकी आत्मा ने बोला, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी कलाई घड़ी को खोल करके सबके सामने रख दिया जो उनको अत्यंत प्रिय थी। एंड दैट वॉज बॉट फॉर हिम, एंड दैट वॉज बॉट हिम बाई हिज फादर, अर्थात जो उसके पिताजी के द्वारा उनके लिए खरीदी गई थी। वेन ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, उस कलाई घड़ी के साथ में लेखक की बहुत सारी यादें, उसकी बहुत सारी जो मधुर स्मृतियां हैं वो जुड़ी हुई थी, वो अपने पिताजी की निशानी के रूप में है, एज ए टोकन ऑफ द मेमोरी ऑफ हिज फादर, अर्थात अपने पिताजी की जो याददाश्त है उसके टोकन के रूप में वो है उस घड़ी को अपने पास में रखते थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर, परंतु मुझे ये भी याद है वेल माने अच्छी तरह है, बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल, परंतु ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है, इन माई एम ए फाइनल ईयर, कि जब मैं एम ए फाइनल का विद्यार्थी था। वेन आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ एम ए फाइनल, बच्चों एम ए दो साल में होती है, एक प्रीवियस होता है एक फाइनल होता है। तो जब मैं अपने स्नातकोत्तर का विद्यार्थी था, तो क्या हुआ बच्चों, स्नातकोत्तर का विद्यार्थी था, उत्तरार्ध का विद्यार्थी था, तो यहाँ लिखा हुआ है कि है ना, तो देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर उस घड़ी को गिरवी रख दिया था, रहन रख दिया था मेरी फीस भरने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उनको पैसे भिजवाने थे।
तो उन्होंने क्या किया, अपने उस प्रिय घड़ी को जो है अपने छोटे भाई के लिए, अपने छोटे भाई के भविष्य के लिए, उसके करियर के लिए उन्होंने उस घड़ी को दांव पर रख दिया था, उसको गिरवी रख दिया था। बट आई ऑल्सो रिमेम्बर वेल, परंतु ये बात भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, इन माई एम ए फाइनल ईयर, अर्थात मेरे एम ए के अंतिम वर्ष के दौरान, ही मॉर्गेज दैट वाज टू सेंड मी मनी, उन्होंने उस घड़ी को गिरवी रख दिया था मुझे धन प्रेषित करने के लिए, टू गो टू दिल्ली फॉर इंटरव्यू, क्योंकि मुझे दिल्ली में एक साक्षात्कार के लिए जाना था। आई हैड टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, मुझे दिल्ली एक साक्षात्कार के लिए जाना था, एंड फॉर दैट पर्पज आई डिडंट हैव सफिशिएंट मनी, और उस उद्देश्य के लिए मेरे पास में पर्याप्त धन नहीं था। दैट्स व्हाई माई ब्रदर हैड टू मॉर्गेज हिज डियर वॉच, अर्थात उसकी जो बहुत प्रिय घड़ी थी, उस घड़ी को उनको मॉर्गेज रखना पड़ा। उसके बदले उन्होंने कुछ पैसा प्राप्त किया और वो पैसा जो है मुझे दिया। ये सेंट मी, उन्होंने मुझको भेजा था एन अमाउंट, यानी होता धनराशि या रकम ऑफ 150 रुपीज, उन्होंने मुझे 150 रुपये की राशि भेजी थी। उन्होंने इस घड़ी को किसी को गिरवी रख करके मुझे 150 रुपये की राशि भेजी थी। आई रिमेम्बर क्लियरली, ये बात मुझे स्पष्ट रूप से याद है। बच्चों, ये जो पूरी कहानी है, ये बच्चों फ्लैशबैक यानी जो पूर्व दीप्ति शैली है उसमें चल रही है। अब कहानी जो है फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली में चल रही है, अर्थात लेखक क्या कर रहा है, लेखक को उसका अतीत स्मरण हो रहा है, लेखक को उसका अतीत माने जो उसका इतिहास है वो उसको याद आ रहा है। वो कहता है आई रिमेम्बर क्लियरली, ये बात मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है। नो वन नोज वेदर, किसी को ये पता नहीं है कि द रिस्ट वोज वुड कम बैक टू हिम और नॉट, किसी को ये पता नहीं था कि वो रिस्ट वोज उसको वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, वो रिस्ट वोज उसको वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। हिज एक्शन सीम्ड सिम्बोलिक, अर्थात उसका ये कार्य जो है प्रतीकात्मक प्रतीत हो रहा था। ऑन इज स्नैपिंग यानी उसके भंग होने का, ऑल इज अटैचमेंट उसका संपूर्ण मोह विद द पास्ट यानी अपने अतीत के साथ। बच्चों, उन्होंने अपने बड़े भाई ने अपनी घड़ी को खोल करके जब परिवार का बंटवारा होने वाली चीजों के ढेर के ऊपर रख दिया, तो उनका यह कार्य प्रतीकात्मक, उनका यह कार्य इस बात का सिंबल प्रतीत हो रहा था, मानो अपने अतीत से उनका मोह भंग हो गया था, मानो अपने अतीत से जो है उनका मोह भंग हो गया था। तो बच्चों, इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके, फिर देखेंगे आप। देखो बच्चों, बोर्ड पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, जरा देखो आप। आई डोंट नो, माने मुझे पता नहीं है वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं। बच्चों, यहां मैंने वेदर का प्रयोग भी किया और इफ का प्रयोग भी किया है। आप जानते हैं जब किसी सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और यदि वह सेंटेंस किसी एचवी माने हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों को इफ या वेदर से जोड़ा जाता है। किससे? इफ से या वेदर से जोड़ा जाता है, इफ से भी जोड़ दिया जाता है, वेदर से भी जोड़ दिया जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए, तो बच्चों इस दृष्टि से अगर देखा जाए, जो नियम मैंने बोला, अगर उस दृष्टि से देखा जाए
वेदर भी सही है और इब भी सही है, क्योंकि मैंने आपने यही तो कहा है कि यदि कोई सेंटेंस एच वी से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, एच वी से, और यदि आप उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हो तो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से जोड़ा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह आएगी या नहीं। और दूसरा ये भी है कि आई डोंट नो इफ शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह आएगी भी या नहीं। लेकिन बच्चों ये सेंटेंस जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसके पीछे बहुत दूसरा लॉजिक होता है, और उस लॉजिक को बच्चों आपको समझना चाहिए। आप ये समझो बच्चों इधर क्या आ रहा है, और आ रहा है, क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो ये बात अच्छे समझ लो कि यदि सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में और आ रहा है तो वेदर का ही प्रयोग होगा, इफ का नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चों अच्छे से समझो, जैसे आइदर और होता है कि नहीं होता, आइदर और नाइदर नोर, ऐसे बच्चों वेदर और का भी क्या होता है, जोड़ा होता है। That's why these two words are always used in the pair. इसलिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग हमेशा पेयर माने जोड़े में किया जाता है। इसलिए बच्चों देखो इसमें वेदर और का प्रयोग हो रहा है, सेंटेंस बोल रहा हूं। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कोई नहीं जानता है कि वो कलाई घड़ी उन्हें वापस मिलेगी या नहीं। देखो बच्चों आज और आ रहा है और नॉट, यही कारण है कि आज इस जगह देखो वेदर आ रहा है, इस वेदर की जगह क्या नहीं आ सकता, इफ नहीं आ सकता है। क्लियर, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। हिज एक्शन सीम्ड सिंबॉलिक, अर्थात उनका ये कार्य प्रतीकात्मक प्रतीत हो रहा था, ऑन हिज स्नैपिंग, स्नैप यानी होता बच्चों भंग हो जाना, और हिज अटैचमेंट यानी उसका मोह विद द पास्ट यानी भूतकाल के साथ, यानी भूत के साथ में उसका संपूर्ण मोह भंग होने का ये कार्य उसका प्रतीकात्मक कार्य था। यह संपूर्ण अतीत के साथ में उसके मोह भंग होने का प्रतीकात्मक कार्य था। I was silent, यानी मैं खामोश था। My older sister in law, बच्चों यहाँ एल्डर सिस्टर इन लो का प्रयोग थोड़ा मेरे जम नहीं रहा है, क्यों नहीं जम रहा है वो आपको बता देता हूं, गलत है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। देखो बच्चों ये शब्द है ओल्डर देन, क्या बोला मैंने, ओल्डर देन। दूसरा शब्द जरा देखना, एल्डर टू, यानी एल्डर के बाद में बच्चों टू का प्रयोग करना चाहिए, ओल्डर के बाद में देन का प्रयोग करना चाहिए। एक फर्क और समझो, जब बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, तो जाहिर सी बात है बड़ा उम्र में तुम हो कि मैं हूं, उम्र में बड़ा मैं हूं इसलिए मुझे कहना पड़ेगा आई एम ओल्डर देन यू, मैं उम्र में बड़ा हूं इसलिए मुझे कहना पड़ेगा आई एम ओल्डर देन यू, मैं ये नहीं कह सकता हूं, ये इसलिए नहीं कह सकता हूं बच्चों, क्योंकि एल्डर टू का मतलब होता है जैसे आपके पापा आपसे बड़े हैं तो आप कह सकते हो माय फादर इज एल्डर टू मी, क्योंकि पापा से आपका ब्लड रिलेशन है, भैया से आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन मुझसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तो उम्र की दृष्टि से बड़ा है तो ओल्डर देन आएगा, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन की दृष्टि से बड़ा है तो एल्डर टू आएगा। अब बच्चों यहां पर भाभी से आप, भाभी जो है तो देखो यहां शब्द क्या आ रहा है, भाभी से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है क्योंकि भाभी तो दूसरे परिवार से आती है, तो माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, तो एल्डर की जगह बच्चों ठीक रहेगा माई ओल्डर सिस्टर इन लॉ, अर्थात जो मेरी बड़ी भाभी थी वो इन द बैक यार्ड, वो घर के पिछवाड़े में थी, मेरी बड़ी भाभी घर के पिछवाड़े में थी, जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला पोषा, मुझे बड़ा किया। आज घर का ये बंटवारा हो रहा था, बड़े भाई का संपूर्ण अतीत के साथ में मोह भंग हो रहा था, और इस दौरान जो मेरी बड़ी भाभी थी वो कहाँ थी, शी वॉज स्टैंडिंग इन द बैक यार्ड, अर्थात वो घर के पिछवाड़े में थी। कहने का मतलब वो फिर भी इतनी शर्म वाली थी कि वो छोटे वो जो दूसरे नंबर का भाई है उसकी पत्नी की तरह कम से कम सामने नहीं आ रही थी, वो पंच पटेल नहीं बन रही थी, उन्होंने ये तय किया हुआ था कि मेरा पति जो फाइनल कर देगा वो सब मुझे स्वीकार है। माई सेकंड ब्रदर वाज ओफन विस्परिंग, अब देखो बच्चों ओफन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, ओफन का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो रहा है, इसलिए बच्चों आप समझ जाओ ओफन का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल में नहीं होता, पास्ट सिंपल में भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, और ये देखो पास्ट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट का ऊपर बता दिया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है। तो भाई सेकंड ब्रदर वो जो ऑफन विस्परिंग, यानी मेरा जो छोटा भाई है वो प्राय कुछ फुसफुसा रहा था, कहां, इनटू हिज वाइफ्स ईयर, माने उसकी पत्नी के कान में, मेरा जो छोटा वाला दूसरे नंबर का भाई था ना वो उसकी पत्नी के कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा था, एंड वॉज देयर, वो
और वो मौजूद था टेकिंग हिज प्लेस और टेकिंग हिज प्लेस विद अस और फिर हमारे पास आकर के बैठ जाता था and was there taking his place with us और फिर हमारे बीच में आके बैठ जाता था फिर जाता उसकी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाता और फिर आकर के हमारे बीच में बैठ जाता फिर जाता अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाता and then once again he came फिर वो आता and he would sit with us और वो हमारे साथ में बैठ जाता था it was like the butcher's knife ये सब बच्चों बिल्कुल चाकू जो होता है कसाई का चाकू उसकी तरह था going on ठीक है जो हो रहा था to the stone sharpen itself ध्यान दो बच्चों it was like the butcher's knife ये सब बिल्कुल उस कसाई के चाकू की तरह था that was going to the stone जो बार बार पत्थर पर जा रहा था to sharpen itself यानी अपने आप को तिक्खा करने के लिए ये सब उस कसाई के चाकू की तरह था ये सब उस कसाई के चाकू की तरह था जो बार बार अपने आप को तिक्खा करने के लिए शिला के ऊपर या पत्थर के ऊपर जा रहा था और अपने आप को धार धार बना रहा था द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज बड़े भाई बिल्कुल शांत थे एंड कंपोज का मतलब होता है बच्चों स्थिर चित्त बड़े भाई बिल्कुल शांत और स्थिर चित्त थे बड़े भाई बिल्कुल शांत और स्थिर चित्त थे लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन का मतलब होता है किसी पूर्ण सज्जन व्यक्ति की तरह He was looking at the proceedings. वो उन कार्रवाइयों की ओर देख रहे थे He was looking at the proceedings. अर्थात वो उन कार्रवाइयों की ओर देख रहे थे कौन सी कार्रवाइयों की ओर देख रहे थे Dispassionately, विरक्त भाव से Dispassionately यानी विरक्त भाव से वो घर के अंदर जो बंटवारे की प्रक्रिया चल रही थी बंटवारे की जो कार्यवाही चल रही थी उस कार्रवाई को उन कार्रवाइयों को वो व्यक्त भाव से देख रहे थे एग्जैक्टली एज ही हैड डन ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था ऑन द डे ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन यानी उनके बेटे का जिस दिन सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी सेक्रेड थ्रेड सेक्रेड यानी पवित्र थ्रेड यानी धागा तो बच्चों पवित्र धागा जो जनेऊ होती है यज्ञोपवीत तो जिस दिन उनके बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था या जिस दिन उनके बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ था तो जिस दिन उस दिन भी वो इसी प्रकार से खामोश थे तो ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने क्या किया था ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने पुत्र के जनेऊ संस्कार के दिन किया था उसी प्रकार से वो विरक्त भाव से क्या है खड़े होकर के सभी कार्रवाई को देख रहे थे एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज और मेरे विवाह के दिन यानी अपने बेटे के जनेऊ संस्कार तथा मेरे विवाह के दिन जिस प्रकार से उन्होंने विरक्त होकर के सारी कार्रवाइयों को चुपचाप देखा था इन द सेम वे उसी प्रकार से टुडे आल्सो आज भी ही वाज लुकिंग एट एवरीथिंग ही वाज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पैशनेटली अर्थात वो विरक्त होकर के उन सारी प्रोसीडिंग्स को अर्थात उस कार्रवाई को देख रहे थे नॉट अ साइन ऑफ डिसगस्ट एक भी घृणा का भाव नहीं था एंड रिग्रेट यानी पश्चाताप यानी उसके चेहरे के ऊपर घृणा या पश्चाताप का एक भी भाव नहीं था आई रिमेम्बर मुझे याद है आई रिमेम्बर यानी मुझे याद है द यो मानी वो साल मुझे वो साल याद है कौन सा साल जिस साल हमारे पिताजी मरे थे तो अब देखो बच्चों पूरी कहानी किसमें चल रही है ये फ्लैशबैक का मतलब समझ गए ये पूर्व दीप्ति शैली में चल रही है वो अतीत को याद कर रहा है लेखक को सब याद आ रहा है मुझे वो साल याद है जिस साल हमारे पिताजी मरे थे देखो आई रिमेम्बर अर्थात मुझे याद है द ईयर फादर डाइड अर्थात मुझे वो साल याद है जिस साल हमारे पिताजी मरे थे वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन उस साल हमको बड़े वित्तीय तनाव में रहना पड़ा था अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन का मतलब होता है उस वर्ष हमें बहुत बड़े वित्तीय तनाव या बहुत बड़े आर्थिक तनाव में रहना पड़ा था इट वॉज विंटर ये बच्चों सर्दी की ऋतु थी रजाई थी नहीं कंबल भी जो कम थे और एक ठंडी जो ठंडी रात है दिसंबर के महीने की पड़ रही कड़ाके की सर्दी है ठंडा है मास दिसंबर का चल रही हवाएं सनन सनन छू रहा कलेजा अंबर का इस तरीके की जो कड़कड़ाती हुई इस तरीके की ठुठुराती हुई जो ठंड है उस ठंड को काटने के लिए हमारे पास में पर्याप्त गर्म कपड़े ओढ़ने बिछाने के लिए गद्दे और रजाइयां नहीं थी गुदड़ियां थी तो कह रहा है कि देखो वो कह रहा है कि इट वॉज विंटर मानी सर्दी की ऋतु थी द चिल उसमें की ठंड वोज एट एज को काट के कर लो बच्चों एट इट्स हाइट उस समय की ठंड अपनी चरम सीमा या अपनी पराकाष्ठा पर थी उस समय की ठंड अपनी पराकाष्ठा के ऊपर या अपनी चरम सीमा के ऊपर थी उस समय की ठंड अपनी पराकाष्ठा पर थी ठीक है द चिल वोज एट इट्स क्लाइमैक्स यानी ठंड अपनी क्लाइमैक्स के ऊपर अपनी पराकाष्ठा पर थी वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स हमारे पास सीमित मात्रा में ही कंबल थे हमारे पास बच्चों कंबल कितने थे हमारे पास सीमित मात्रा में ही कंबल थे हमारे पास कंबल कम थे The cold was so biting और ठंड इतनी तेज थी इतनी
चुभने वाली इतनी काटने वाली थी, सर्दी इतनी काटने वाली थी, पर्टिकुलरली एट मिड नाइट, खासतौर पर आधी रात को बहुत स्थिति खराब हो जाती थी। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट एनफ फॉर वन, कि एक आदमी के लिए कंबल काफी नहीं होता था, खास तौर पर जब रात के 12 बजते माने जब आधी रात आती तो उस वक्त एक आदमी के लिए सिर्फ एक कंबल काफी नहीं होता था। दैट नाइट माने उस रात, आई वॉज स्लीपिंग इन द पेशेज रूम, मैं ब्रह्मदेव वाले कमरे में सो रहा था। That night I was sleeping in the patient room, अर्थात I was sleeping in the room of the courtyard, यानी जो ब्रह्मदेव वाला कमरा है, चौबारी वाला कमरा, उस चौबारी वाले कमरे में सो रहा था। When I woke up in the morning, जब मैं सुबह जागा तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि भाई का कंबल भी मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, ऐसी ममता ऐसा वात्सल्य उनके मन में मेरे प्रति था। तो व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, अर्थात जब मैं सुबह उठा, आई फाउंड माय एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट, मैंने अपने बड़े भाई का कंबल पाया ऑन मी, मुझ पर, एडेड टू माइन, अर्थात उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने मेरा जो कंबल है उस कंबल से उन्होंने दूसरा कंबल जोड़ दिया। एडेड टू माइन का मतलब मेरे वाले से जुड़ा हुआ। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि भाई का कंबल मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, मेरे वाले से जुड़ा हुआ, अर्थात मेरे कंबल से जुड़ा हुआ, ऐसा प्यार ऐसी ममता उनके मन में मेरे प्रति थी। अर्ली एट डॉन माने सुबह जल्दी, क्या हुआ बच्चों, ही हैड लेफ्ट माने ही हैड गोन फॉर द फील्ड्स, माने सुबह तड़के या सुबह जल्दी उठकर के वो खेतों पर चले गए थे, विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर बिना कोई कंबल दिए, अपने कंधों के ऊपर बिना कंबल डाले, उस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर भी वो खेतों के ऊपर चले गए थे और उनका कंबल जो उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया था, मेरे कंबल से जोड़ दिया था, ये सोच के कि अभी बच्चा छोटा है और इसको क्या है सर्दी से बचाना चाहिए। इफ ही हैड बीन आस्क्ड, अगर उनसे ये पूछा जाता कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो कहते नहीं मेरे को ठंड नहीं लगती है, ऐसे बोलते थे कि मेरे को ठंड नहीं लगती है। तो वह ना ये तो देखो, इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, यदि उनसे पूछा जाता कि क्यों, ही वुड हैव श्योरली सेड, वो निश्चित रूप से यही कहते इन हिज यूजुअल मैनर, अपने स्वाभाविक ढंग से, दैट ही डिड नॉट फील द कॉल, कि उनको ठंड नहीं लग रही थी, वो अपने स्वाभाविक तरीके से ही उत्तर देते थे कि मैंने तो इसलिए लगा दिया तुम्हारे क्योंकि मेरे को ठंड नहीं लग रही थी, जबकि आप बताओ वो कोई पत्थर के थोड़ी थे जो उनको ठंड नहीं लग रही थी, पर उनके मन में उस बच्चे के प्रति क्या था, अपने छोटे भाई के प्रति ममता का भाव था। बात दरअसल ये है, तो नाउ आई हैव कंफर्टेबल इनकम, अब तो मेरे पास में अच्छी खासी आमद है, अब तो मेरे पास में अच्छी खासी आमद है, परंतु मेरे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपने उस बड़े भाई के लिए कम से कम एक बढ़िया कंबल तो ले चलूं, उसके लिए कोई बढ़िया सी जैकेट तो ले चलूं, ये ख्याल मेरे मन में नहीं आया। येट परंतु तो भी इट हैड नेवर अकर्ड टू मी, परंतु फिर भी मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ, माने कि कोई गर्म कपड़ा खरीद दूं फॉर माई एल्डर ब्रदर, यानी अब तो मेरे पास में अच्छी खासी आमद है, फिर भी मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई ऊनी गर्म कपड़ा खरीद दूं। He is still satisfied and happy. वो अभी भी संतुष्ट है, वो अभी भी खुश है, वो अभी भी संतुष्ट है, वो अभी भी खुश है with that tattered blanket. उसी tattered का मतलब होता है बच्चों फटा पुराना, जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, तो कहने का मतलब जो फटे चिथड़े कंबल से, वो अभी भी उस फटे चिथड़े कंबल से, वो अभी भी उस फटे चिथड़े कंबल से संतुष्ट तथा खुश है। That he had covered me with once, जिसको कि उसने मुझे कभी एक बार उड़ाया था, यानी वो खेतों पर चले गए थे और वो कंबल उन्होंने मेरे कंबल से जोड़ करके जो मुझे उड़ा दिया था, आज भी उसी फटे पुराने कंबल से वो क्या बड़े खुश हैं, बड़े संतुष्ट हैं। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, और बच्चा अब जब बंटवारा हो रहा है तो बंटवारे के अंदर वो कंबल भी मेरे सामने पड़ा था, अब मेरे सामने पड़ा था वही वाला कंबल विद ऑल अदर थिंग्स, माने अन्य सभी चीजों के साथ और बाकी सभी चीजों के साथ में वह कंबल जो है मेरे सामने, बंटवारी की तमाम चीजों के साथ वो कंबल भी मेरे सामने पड़ा था। आई शिवर्ड विद द कोल्ड, अर्थात मैं ठंड के मारे कांप रहा था, एंड माय ओन इनग्रेटिट्यूड, और अपनी कृतज्ञता या अपनी एहसान फरामोशी जो है वो मुझे बार बार धिक्कार रही थी, मैं ठंड के कारण और अपने नाशुक्रेपन के कारण, अपनी कृतज्ञता के कारण, अपनी एहसान फरामोशी के कारण मैं कांप रहा था। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, और इस प्रकार से बंटवारी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई, इस प्रकार से बंटवारी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। वॉट एवर द सेकंड ब्रदर डिमांडेड, जो कुछ मेरे छोटे भाई ने मांगा, माय एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद अ स्माइल, मेरे बड़े भाई उस सब बात के ऊपर जो है एक मुस्कान के साथ में रजामंद हो गए। भाई सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड, यानी मेरे छोटे भाई ने क्या किया, जमीन का वह हिस्सा है ना, दैट वॉज गिवन टू मी, जो मेरे बट में आया था उसे खरीदने के लिए उसने प्रस्ताव रखा। एंड ही ऑफर्ड 18,000 रुपीज, और उसने जो है 18,000 का 18,000 रुपए जो है वो देने की बात कही एज द प्राइस, यानी कीमत के रूप में, और मेरे बटकी या मेरी पाती की जो जमीन है उसके बदले उन्होंने मुझे 18,000 रुपए देने की पेशकश की मेरे दूसरे नंबर के भाई ने। इन द इवनिंग, शाम के समय, माय एल्डर ब्रदर
took me along with him to show me the paddy fields. यानी शाम के समय जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझे हमारे धान के खेत हैं उन खेतों को दिखाने के लिए मुझे खेतों पर ले गया. That there was to be mine, जो मेरे बट में आने वाले थे, जो मेरे हिस्से में आने वाले थे. I quietly followed him. मैं चुपचाप उनका अनुसरण करता रहा, मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा. We moved from boundary to boundary. हम जो एक मेड़ से दूसरी मेड़, एक दोरे से दूसरे दोरे, एक क्यारे से दूसरे क्यारे, है ना, के ऊपर बच्चों हम गए. Everywhere, यानी हर जगह. I could feel the imprints of his feet. हर जगह मैंने देखा मेरे जो बड़े भाई हैं उनके पाँव के निशान. हर जगह मैंने अपने बड़े भाई के पाँव की छाप या उनके पाँव के निशानात देखे. हिज पाम, उनके पाँव, उनकी हथेलियों, एंड हिज फिंगर्स, और उनकी उंगलियों के निशानात देखे. बच्चों जब हम पाणत करते हैं तो पाणत के अंदर हमें हाथ से करना पड़ता है, और हाथ से क्या होता है, हमारी उंगलियों की जो छाप है वो वहाँ उभर जाती है. तो वैसा वैसा मैंने देखा. ऑन द बॉसम ऑफ द पैडी फील्ड्स, इसका मतलब है कि धान के खेतों के सीने पर स्पार्कल्ड, यानी चमक रही थी, द पर्ल्स ऑफ माय एल्डर ब्रदर स्वेट, यानी मेरा बड़ा भाई जो है उसके पसीने की बूंदें, यानी मेरे बड़े भाई के पसीने की बूंदें धान के खेतों के सीनों की सीने पर चमचमा रही थी. ही वो शोइंग मी द फील्ड्स, अर्थात वो मुझे खेत दिखा रहे थे. कैसे? एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली मेंबर्स, जैसे कोई पिताजी क्या करते हैं अपने बच्चे को, जो पिताजी होते हैं ना वो क्या करते हैं, किसी अजनबी को अपने परिवार के सदस्यों से परिचय कराते हैं. मैं एक अजनबी हो गया हूँ, जैसे गजनबी को परिवार के सदस्यों से परिचय करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे बड़े भाई मेरा परिचय जो है उन खेतों से करवा रहे थे. इन द मॉर्निंग, मानी सुबह, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझको भुवनेश्वर के लिए रवाना होना था. आई हैड नो क्रेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, बड़े भाई से मिलने की मुझमें हिम्मत शेष नहीं थी. मेरे अंदर मेरे बड़े भाई से मिलने की हिम्मत शेष नहीं थी. बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप पर जाने से पूर्व आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप, अर्थात मैंने कागज की वही पर्ची पकड़ा दी थी, और पेपर यानी कागज की वही पर्ची पकड़ा दी थी टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, यानी मेरी बड़ी भाभी को, विच हैड द डिटेल्स, जिसमें मेरे बट का ब्यौरा लिखा हुआ था, अबाउट माई शेयर, अर्थात जिसमें मेरे बट का ब्यौरा लिखा हुआ था. राइटिंग ऑन द बैक साइड ऑफ दैट स्लिप, और उस स्लिप के पीछे की ओर, है ना, उसके पीछे की ओर जो है ये लिख दिया. मैंने क्या लिख दिया कि आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर, है ना, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, और मैंने कह दिया मेरी भाभी को कि ये पर्ची जो बड़े भाई साहब को दे देना. एंड स्टील थिली, और चुपचाप या दबी पाऊं स्लिप्ड आउट ऑफ अवर हाउस, मैं अपने घर के बाहर खिसक लिया. आई हैड रिटर्न, मैंने उस पर्ची पे लिखा था. क्या लिखा था बच्चों, कहानी का सारांश आपके सामने आ रहा है. व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं इस जमीन का क्या करूंगा. यू आर माई लैंड, तुम ही मेरी जमीन हो. फ्रॉम वेयर, यानी जहां से, आई वुड हार्वेस्ट, आई वुड अर्न एवरीथिंग इन माई लाइफ, अर्थात जहां से मैं अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ हार्वेस्ट कर सकता हूँ, अच्छी से अच्छी उपलब्धियों की लावणी कर सकता हूँ. तुम्ही जो है, तुम्ही क्या हो बच्चों, तुम्ही मेरी जो है सबसे बड़ी जमीन हो, जहां से मैं अपनी जिंदगी के अंदर सभी प्रकार की खुशियों की लावणी कर सकता हूँ. आई नीड नथिंग सेव यू, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए. हे बड़े भाई, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए. एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दिस, यानी ये जो मेरी जमीन है इसको आप स्वीकार कीजिए. प्लीज, कृपया इसको आप स्वीकार कीजिए. इफ यू डिनाई, इफ यू रिफ्यूज, अगर आप मना करेंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं आपको दोबारा कभी अपनी सूरत, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा. बाबुली, आपका छोटा भाई बाबुली. इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त. आइए वाली बात अगली क्लास में. नमस्कार.